टेंथ क्लास लास्ट टाइम हम ग्राफ्स कर रहे थे, तो टेबल मैंने बना दी है। सबसे पहले क्या था, एस्टीग्राफ। एस्टीग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलता था, एस्टीग्राफ में स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम एस्टीग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वो अपने किसी काम का नहीं था। दूसरे नंबर पर हमने जो किया था वो था वीटीग्राफ। वीटीग्राफ का एरिया क्या होता है, एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और स्लोप क्या होता है, वो होता है एरिया। ठीक है, अच्छा थर्ड थिंग जो है अपने पास वो है एटी ग्राफ का स्लोप, जर्क, हालांकि वो किसी काम का नहीं है, और एरिया क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी तक कर चुके थे। नेक्स्ट थिंग जो हमें क्वेश्चंस करने हैं ग्राफ से रिलेटेड वो ये हैं कि सबसे पहले आप बात करते हैं कि क्वेश्चन आएंगे किस टाइप के। मान लेते हैं कि हमारे पास ये है एस्टीग्राफ। एस्टीग्राफ का मतलब क्या है, यहाँ पर एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, या फिर दूसरा नाम क्या कहोगे, पोजीशन भी बोल सकते हो। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ भी है ये और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी है। अब मान लेते हैं कि अगर कोई कहता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा उसका मोशन, बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन, इट इज एट रेस्ट, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद टाइम। उसी तरह से इसकी जगह अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, इसको देखकर हम क्या गेस कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब क्या है, जहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्व हम जहाँ से करेंगे वही क्या हो जाएगा, अपना ओरिजिन हो जाएगा। इज दिस ओके, ठीक है। दूसरी बात आती है कि मान लेते हैं अगर वो ओरिजिन से ना स्टार्ट होते हुए किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मान लो कि ये है अपने पास, मान लेते हैं कि ये है ए ऑब्जेक्ट और ये है बी ऑब्जेक्ट, क्या इसको देखकर बता सकते हो कि ए और बी में से स्पीड ज़्यादा किसकी होगी, कैसे पता भाई, तुक्का थ्योरम। तुक्का थ्योरम तो लगानी नहीं ना, सोच के बताओ कि स्पीड ज़्यादा किसकी होगी। ए और बी दो ऑब्जेक्ट है अपने पास, इनको देख के हमें बताना है कि स्पीड ज़्यादा किसकी होगी। ए की ज़्यादा होगी, क्यों होगी ए की ज़्यादा, एक्सेलरेशन का तो कोई रोल ही नहीं है। इट कवर मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम, ये फिर भी थोड़ा सा लॉजिकल आंसर है। सबसे पहली बात, अगर हमें स्पीड निकालनी है या फिर यू कहें वेलोसिटी निकालनी है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ग्राफ का यूज़ करते हुए अगर हमें स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला था, वेलोसिटी निकालनी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग स्लोप। ठीक है, बाय यूजिंग स्लोप। तो मान लेते हैं हम इस पर दो इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है, लेट अस से दिस इज T1, T2, समझ गए। ठीक है, इस T1 के अकॉर्डिंग एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है और T2 के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, T1 के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट में ये पॉइंट आ रहा है और T2 के अकॉर्डिंग इसका एक ये पॉइंट आ रहा है। मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं आप पॉइंट X1, X2, X नहीं, S1, S2, S3 और S4। अब मुझे बताओ A से B में ज़्यादा, A से B का डिस्टेंस कितना होगा S1, S2, S3, S4 के फॉर्म में, सोच के बताना। दिख नहीं रहा, चलो इसको लिखते हैं। ये है अपने पास T1, अब ये भी नहीं दिख रहा, T1, T2, ये हमने इसको ऊपर बढ़ाया इधर, ये वाला पॉइंट S1, ये वाला इसको ऊपर बढ़ाया, ये है S2, ये है S3 और ये वाला पॉइंट है S4। ठीक है, अब इसको देखकर बताओ कि A से B, A ऑब्जेक्ट T1 से T2 में कितना चल रहा है, A ऑब्जेक्ट T1 से T2 में कितना चल रहा है, A ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट बताओ, A ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट, A ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट S4, ठीक है, और A ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट बताओ S1, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ S4 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये इसकी क्या आ गई,
वेलोसिटी आ गई क्योंकि स्लोप हम ऐसे निकालते थे। ठीक है, बी के लिए बताओ डिस्टेंस क्या होगा, फाइनल पोजीशन क्या है बी के लिए, एस थ्री। बी के लिए फाइनल पोजीशन क्या है, एस थ्री। इनिशियल पोजीशन क्या है, एस टू अपॉन टी टू माइनस टी वन। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो बताओ फिर स्पीड ज़्यादा किसकी होगी, ए की। क्यों, क्योंकि S4 फोर माइनस एस वन इज ग्रेटर, किसका, B का इनिशियल पॉइंट, B का इनिशियल नहीं, आप टाइम इंटरवल देख रहे हैं ना, इस टाइम के अंदर बताना है अपने को, समझ में आया। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखकर बताओ कि S3 थ्री माइनस एस टू बड़ा है या S4 फोर माइनस एस वन बड़ा है, S4 फोर माइनस एस वन, यानी कि उसका डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा है। इस तरह से हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, समझ में आया पक्का। चलो एक क्वेश्चन करके देखना, मान लेते हैं कि हमारे पास, अब की बार नाम आपको खुद देने अपनी तरफ से, ठीक है, एस टी ग्राफ ही ले लेते हैं, दिस इज एस, दिस इज टी, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, ठीक है, तीन काफ़ी है। ऑब्जेक्ट ए बी और सी को ऑब्जर्व करो ध्यान से, सबसे पहले अपनी तरफ से बताओ कि इसको देखकर हमें क्या क्या चीज़ें पता लगी वन बाय वन। सबसे पहले एक बार सोच लो आराम से, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। हाँ, ये पहली चीज़, ये तीनों के तीनों यूनिफॉर्म मोशन में, वो कैसे पता चला, वो कैसे पता चला कि तीनों के तीनों यूनिफॉर्म मोशन में है, द लाइन इज स्ट्रेट। मैंने आपको 12 ग्राफ्स बनवाए थे, उस 12 में से एस टी ग्राफ की स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है, क्लियर हुआ, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है, नहीं, क्यों, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो फिर ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, ये अपने को दिखाई दे रहा है। इसमें यूनिफॉर्म क्यों है पता लगा, ठीक है, हाँ, पहली चीज़ यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं कहता हूँ कि ए और बी को कंपेयर करके बताओ कि ज़्यादा तेज कौन चल रहा है, कैसे पता, दोनों का चलने का सेम है, लेकिन ए का एंगल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ए का एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका मतलब जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप ज़्यादा किसका निकलेगा, ए का या बी का, ए का, जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि वी टी ग्राफ, सॉरी एस टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। ए और बी में से तेज कौन चल रहा है, ए चल रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बी और सी में से कौन तेज चल रहा है, कम टाइम में ज़्यादा चल रहा है कौन, बी, अभी तो कह रहे थे ए चल रहा है, हाँ, तो देखना ये कि हम कंपेयर किन दोनों को कर रहे हैं। अगर कोई पूछे कि सबसे तेज कौन चल रहा है, अगर कोई इस क्वेश्चन को किस, देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या बन सकता है, विच वन इज ट्रेवलिंग फास्टर, ए और बी, विच वन इज ट्रेवलिंग फास्टर, बी और सी, विच वन इज ट्रेवलिंग फास्टर, ए और सी, विच वन इज स्लोएस्ट, विच वन इज फास्टेस्ट, ठीक है। ए और बी क्या कभी एक पॉइंट पे मिले, यस, कब, ओरिजिन पे, जब वो साथ में चले, ठीक है। जब ए और बी चल रहे थे तो ए और बी ने सी को सेम टाइम पे देखा या अलग अलग टाइम पे देखा, अलग अलग टाइम पे, कैसे पता, अलग अलग जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए और सी इस टाइम पे मिले होंगे, ठीक है, बी और सी इस टाइम पे मिले होंगे। क्या ए बी और सी एक साथ तीनों के तीनों एक जगह पर थे, आंसर है नो, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही जगह पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें से एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, आंसर है किसी का भी नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, तो तीनों का एक्सेलरेशन बराबर, ठीक है, तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें डाटा गिवन नहीं होता, लेकिन फिर भी कहता है कि चलो बताओ इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं इसकी जगह ऐसे कर देता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन जो भी था, तो इसकी वैल्यूज़ निकालना ज़्यादा आसान हो जाता, ठीक है। तब तो आप क्या करते इसमें, फटाफट से स्लोप निकालते, वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी निकालते स्लोप के थ्रू, और उसके बाद निकालते। लेकिन ग्राफ को देखकर हमें पता लगना चाहिए कि किस टाइप का मोशन हो रहा है। इज दिस ओके, एक क्वेश्चन और करोगे, चलो फिर करके दिखाओ। वही एस टी ग्राफ ही ले लेते हैं फिर से, दिस इज एस, दिस इज टी, तो
दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दीज टू आर पैरेलल, ए की लाइन जो है वो सी के पैरेलल है, दिस इज गिवन, ठीक है। और देयर इज वन मोर ऑब्जेक्ट डी, ठीक है। पहले से इस ग्राफ को ध्यान से देखो, दो मिनट तो घूरो इसको, इतना घूरो किसको शर्म आ जाए एक बार तो, कि सभी मुझे ही क्यों देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम इस पर क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। अपनी तरफ से एक बार सोच लो कि इसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। आंसर कोई नहीं देगा, आंसर भी कोई नहीं देगा, बस एक बार सोच लो कि हम इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। ध्यान से शुरू करें, चलो सबसे पहले बताओ कि एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा किसका है। हाँ, फिर से तुक्का थ्योरम, सबका एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा एमसीक्यू के अंदर अगर आता है तो, और सबसे पहला ऑप्शन भी क्या होगा, बी, कि बी का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है। और सही ऑप्शन पेपर में होगा ही नहीं, सही ऑप्शन के नाम पे क्या होगा, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। क्योंकि ऑप्शन देख के हमें लग जाता है ना कई बार, कचबच होते हैं कि चलो ऑप्शन तो सारे पढ़ लें, आइडिया हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ दीज जरूर दिया होगा, तो ध्यान रखना। सबसे पहले बताओ नेचर ऑफ मोशन ऑफ ए, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेचर ऑफ मोशन ऑफ बी, सी का सबसे तेज कौन, कैसे पता, स्लोप, स्लोप की भाषा बोलो, कम टाइम ज़्यादा टाइम ये सब नहीं, स्लोप और एरिया किस लिए सीखे हैं, तो बताओ सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है। रियल लाइफ में काम आते हैं, समझ सोचना नहीं आएंगे, ठीक है, जब इंजीनियरिंग करोगे ना तब उसके अंदर आते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो नेक्स्ट थिंग, सबसे तेज कौन चल रहा है, सबसे स्लो कौन चल रहा है, सी या डी, सी या डी, या डी, डी, सही, ठीक है। डी कैसे, क्योंकि अगर मैं सी को आगे बढ़ा देता हूँ और डी को आगे बढ़ा देता हूँ तो इंटरसेक्ट करेंगे। अब इंटरसेक्ट में सी आगे निकल जाएगा, ध्यान से देखो, निकल जाएगा ना, थोड़ी देर बाद सी आगे निकल गया और डी पीछे रह गया, इस लाइन का मतलब है टाइम आगे बढ़ रहा है, डिस्टेंस में आगे कौन निकल गया, सी आगे निकल गया, तो सबसे तेज कौन हुआ, ना सबसे तेज तो बी हुआ, सबसे तेज तो बी हुआ, ठीक है। बी, सी और डी में सबसे तेज कौन हुआ, सी और डी में बी कहाँ से आ गया भाई, अच्छा बी सी डी तीनों बोल दिया गया, चलो ठीक है। ए और सी में से तेज कौन है, इक्वल, पैरेलल है, तो इसका मतलब इक्वल है, ठीक है। ये ऐसे मान लो कि ये यहाँ पर ऐसे भाग रहा है 24 की स्पीड से, ठीक है, और ये इससे 10 मीटर की दूरी पर 24 से भाग रहा है, क्या इसको कभी पकड़ पाएगा, दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं कैसे पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये ए और सी वाला केस वही है, ए और सी में से आगे कौन चल रहा है, ठीक है, अच्छा ए बी और सी, ए और सी कभी मिलेंगे, सी और डी कभी मिलेंगे, यस, अगर वो आगे का मोशन कंटिन्यू रखते हैं तो, ठीक है। हमने क्योंकि लास्ट में सी लिख दिया, इसका मतलब आगे मोशन कंटिन्यू नहीं है, लेकिन अगर आगे मोशन होगा तो ऑफकोर्स मीट कर जाएंगे। ए और डी क्या मीट कर रहे हैं, ठीक है। बी और डी, क्या ए बी और डी तीनों मीट कर रहे हैं, जब बी ने ए को ओवरटेक किया तब ए कहाँ था, जब बी ने ए को ओवरटेक किया तब ए कहाँ था, गिवन नहीं है, वैल्यूज तो गिवन नहीं है, बट ऐसे हम बता सकते हैं कि बी कहाँ है, ये रहा बी, बी ने ए को यहाँ ओवरटेक किया है तो उस वक्त डी कहाँ था, आंसर है इतना दूर था ओरिजिन से, समझ गए, ठीक है। और जब ए ने डी को ओवरटेक किया तब बी कहाँ था, इतना दूर ओरिजिन से, जब ए ने डी को ओवरटेक किया यहाँ पर तब बी कहाँ था, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कहीं था, ठीक है, ग्राफ से बाहर। तो इस तरह से मतलब उठपटांग क्वेश्चन कितने ही बना लो, इसमें ग्राफ के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, इज दिस ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर है 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, और ये इसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ जब टाइम था 15 सेकेंड तब उसका मोशन कैसा है, मोशन कैसा है, नेचर ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन। 20 सेकेंड में मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, ठीक है।
30 से 40 सेकंड के बीच में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ब्रेक्स लगाए हैं इसका मतलब, ठीक है, 30 से 40 में ब्रेक लगाए हैं। एक्सेलरेशन कब हुआ? टाइम में बताएंगे, ठीक है, जब चलना शुरू किया वहाँ से लेकर 10 सेकंड्स तक, ठीक है। बताओ एक्सेलरेशन, जो शुरू का एक्सेलरेशन है और बाद का रिटार्डेशन है, क्या उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा? यस सर, क्योंकि हाइट सेम है और बेस भी सेम है, तो स्लोप निकालेंगे तो सेम ही आएगा, पी अपॉन बी, ठीक है। साइन कैसा होगा? रिटार्डेशन, एक जगह एक्सेलरेशन एक जगह रिटार्डेशन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इसने, कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड डिस्टेंस, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको कि कितना डिस्प्लेसमेंट रहा, कैसे निकालोगे? एरिया से निकाल देंगे। इज दिस ओके? ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बताओ इसका फटाफट से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एरिया निकालो। एरिया कौन सा फिगर बन रहा है इसमें? ट्रायंगल एंड स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर, नो, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, हाँ स्क्वायर है वैसे। पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला होगा, ट्रायंगल का एरिया कितना आया? 100, दूसरे ट्रायंगल का भी 100 और उसका 400 आया। सीधा कर सकते हैं, फिर गलत आंसर आ रहा होगा। ट्रेपीजियम का एरिया लगाना है? नहीं, अच्छा दोनों ट्रायंगल को ऐड कर दिया, दोनों ट्रायंगल्स को मिला के, ठीक है। हाँ 2 × 1/2 बनी हो गया, सही है। अदरवाइज आप ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है, वो भी लगा सकते थे। हाँ वो जैसे अपने को आसान लगे, देखो पेपर में कभी नहीं आता कि ट्रेपीजियम वाले तरीके से निकालो, दे कांट आस्क दिस थिंग। तो ग्राफ्स में आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। बुक में एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक निकालना है एक बार, एक्सरसाइज क्वेश्चन पेज नंबर 112, उसमें मोशन होगा दो कार्स का। क्वेश्चन पेज नंबर 112 है, क्वेश्चन नंबर देखना कौन सा, एक बार ग्राफ शायद बना हुआ है उसका, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ उसमें ग्राफ बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, तो इसमें तीन कार्स का आपको मोशन दिखा रहा है, कार है या शिप है क्या ये? डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो इसको देख के बताओ, अंदाजा लगाइए क्या है। विच वन ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट? आर यू श्योर? सही है, मतलब इसका आंसर निकल जाएगा। yes, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिखना, हाँ आप लिख लो। एन ऑब्जेक्ट, या मैं लिख देता हूँ, आपको बताना है इसका आंसर सही क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ए ट्रेन मान लो, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 2 m/s², ठीक है, फॉर 1 मिनट। अनदर ट्रेन, एक और ट्रेन है, वही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विथ 5 m/s² फॉर 10 seconds, ठीक है। दे बोथ आर ऑन सेम ट्रैक, सेम ट्रैक तो नहीं, अलग अलग ट्रैक पे लेते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू ड्रॉ देयर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। इनका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है, कल बना लेंगे ना, नोटबुक में डायरेक्ट अभी बनाओ, और क्या अंदाजे से ही बना ना, वैल्यूज दिए थोड़ा सा अच्छा। चलिए शुरू करें। सो सबसे पहले अपने पास है फर्स्ट ट्रेन, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ठीक है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक उसने एक्सेलरेट किया, हालांकि ये प्रैक्टिकली केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेज़ स्पीड हो जाएगी, बुलेट से भी तेज, ठीक है, बुलेट ट्रेन मान लेते हैं इसको, चलो। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पहले वाले में? 0। टाइम कितना है? 60 seconds, अच्छा जी। और क्या निकालना है? एक्सेलरेशन कितना है? 2 m/s². तो v की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट इक्वेशन बताओ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वैल्यू पुट करेंगे 0 + 2 × 60, तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 120 m/s, बहुत तेज़ स्पीड है, बुलेट से भी तेज,
नहीं, बुलेट की 150 के आसपास होती है, बट बुलेट होती भी छोटी सी है, ठीक है। उसी तरह से अगली ट्रेन की बात करते हैं, अगली ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो। एक्सेलरेशन कितना है उसका? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना है? 10 सेकंड्स। तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 50। फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाते हैं। 1 मिनट है तो 10-10 के इंटरवल ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। और स्पीड कितनी पहुँची है अपने पास? 50 पहुँची है ना, तो इसके हम ले लेते हैं 120 भी है और 50 भी है, तो 10-10 के तो फिर ग्राफ ज़्यादा, पर 20-20 के ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हुआ? इनिशियल ज़ीरो, ठीक है। और 1 मिनट के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 120। तो दिस इज द फाइनल पॉइंट। क्या पूरे रास्ते एक्सेलरेट किया है? तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये इसका ग्राफ बन गया, क्लियर। अगले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अनदर ट्रेन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यही है, ठीक है। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 50। कब? 10 सेकंड पे उसकी स्पीड होगी 50, यानी कि यहाँ कहीं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता था? जिसके अंदर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या थे? मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ये सब इसके एग्जांपल थे, ठीक है। वेक्टर में क्या क्या था? विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। व्हाट वाज मैग्नीट्यूड? न्यूमेरिकल वैल्यू, यू कैन से, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होगा? एक तो मैग्नीट्यूड होगा कि वो कितना है, प्लस एक होगी यूनिट कि वो क्या है। जैसे कि मैं कहता हूँ 50, 50 क्या? 50 किलोग्राम, 50 मीटर, 50 बेंच, 50 चेयर, इसकी बात चल रही है। अगर मैं कहता हूँ 50 मीटर तो पता लगता है लेंथ की बात चल रही है, या तो 50 मीटर चला होगा या 50 मीटर का क्लोथ खरीदा होगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट और सम टाइम डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन आ गई वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि रेस्ट, रेस्ट क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, व्हेन देयर इज नो चेंज इन ऑब्जेक्ट, व्हेन देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। क्या कोई भी चीज़ रेस्ट पर है? एब्सोल्यूट रेस्ट? आंसर इज नो, कोई ना कोई चीज़ मूव करती रहती है हमेशा, बट हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मानते हैं एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन, ठीक है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग ये बोर्ड रेस्ट पे है, लेकिन अगर कोई इसको मून से देखेगा तो ये मत कहना दिखाई नहीं देगा छत वगैरह है, सब कुछ हटा के देखेगा तो उसको चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो हम हमेशा देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक वर्ड आता है इसमें, कि कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि गाड़ी में कोई चल रहा है, ट्रेन जा रही है, बाहर से कोई देखेगा उसको अंदर बैठे हुए क्या लगेंगे? चल रहे हैं, ठीक है। और जो अंदर बैठा होगा उसको साथ वाला क्या लगेगा? रेस्ट पे वो साथ वाला तो बैठा हुआ लगेगा, और उसको लगेगा कि वो पीछे प्लेटफॉर्म वाला पीछे भाग गया, ठीक है। तो वो रेस्ट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, ये रिलेटिव टर्म है। रेस्ट के बाद आपने पढ़ा था मोशन, मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कितने टाइप के मोशन पढ़े हमने? एक तो यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा, एक हमने पढ़ा था डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, कि रियल में कितना चला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ। बताओ डिस्टेंस का सिंबल एस, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी एस, बट हम वेक्टर के लिए एरो लगा देते हैं, ठीक है। नहीं लगाओगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपने को डिस्प्लेसमेंट ही करना है पूरी बुक में, ठीक है। उसके बाद अपने किया था स्पीड, व्हाट वाज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, वेलोसिटी,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता था, डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी माइनस यू बाई टी। डिस्टेंस की यूनिट बोलना, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ऐसा यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दीज आर एसआई यूनिट। जनरल यूनिट हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर भी कर लेते हैं, सेंटीमीटर भी कर देते हैं, मीटर पर मिनट भी हो सकती है स्पीड, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकती है, किलोमीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, बट जनरली हमें क्या यूज़ करना है, मीटर पर सेकेंड, मीटर और ये सब, ठीक है। यही टर्म्स पढ़ी थी हमने। एक एक्सेलरेशन के बारे में एक चीज़ और पढ़ी थी कि दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब स्पीड का क्या हो रहा है, इंक्रीज, और रिटार्डेशन में क्या होता था, डिक्रीज, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी। उसके बाद फिर आपने किए थे ग्राफ्स, जो हमने आज भी डिस्कस किए हैं। ग्राफ्स में स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप एंड एरिया, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। स्लोप के दो चार नाम और सीखे थे हमने, टेन थीटा, ठीक है, नहीं बताया, बताया था एक बार, बट फिर ये कहा था कि टेंथ में आएगा, है ना। तो स्लोप था एक, एरिया था, दो चीज़ें निकालते हैं, वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ और एटी ग्राफ, तीन तरह के ग्राफ है अपने पास। और ग्राफिकल मोशन से, जब वीटी ग्राफ से हमने तीन इक्वेशन भी ड्राइव की थी, तो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन है, पहली थी वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरी क्या थी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसको क्या बोलते हैं, पोजिशन टाइम रिलेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और तीसरी क्या थी, टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, इसको हम बोलते हैं पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। इन सभी चीज़ों की खास बात क्या है कि इन सब के अंदर एक तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरी खास बात है कि इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन होगी या हमें निकालनी होगी, लेकिन ये भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। शुरुआत हमने किससे की है, इस चीज़ में कोई डाउट, ठीक है। अब इसके अंदर कई बार क्या होता है कि स्कूल वाले करवा देते हैं इन इक्वेशन का डेरिवेशन बाय मैथमेटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड बोलते हैं इसको, क्या कुछ भी अजीबोगरीब नाम है बुक में, तो अपने सिलेबस में तो नहीं है, बाकी स्कूल में करवाया होगा तो आप उसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो देख लो, ठीक है, फिर उसको अगली क्लास में करते हैं, ठीक है।